वन विभाग की लापरवाही से नेपानगर वन परिक्षेत्र में बेशकीमती सागौन की अवैध तस्करी हो रही है। रविवार सुबह 7 बजे नेपा पुलिस ने चांदनी के समीप दबिश देकर सागौन के लट्ठों से भरी एक आयसर जब्त की। इसमें करीब 20 लाख रुपए कीमत के 45 नग सागौन के लट्ठे बरामद किए गए। पुलिस ने आयसर को जब्त कर पुलिस थाने लाया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नेपा वन परिक्षेत्र के आरक्षित कंपार्टमेंट से सागौन के अवैध लट्ठे भरकर एक आयसर वाहन जा रही है। इस पर थाना प्रभारी जितेंद्र यादव नेतृत्व में पुलिस की टीम ने आयसर का पीछा कर उसे चांदनी के समीप धर दबोचा। पुलिस की सूचना पर वन विभाग के अमले ने भी मौके पर जाकर पड़ताल की। इस दौरान वाहन में सवार चालक यूसुफ पिता रशीद निवासी महेश्वर जिला खरगोन को गिरफ्तार किया गया। उसके शेष साथी मौके से फरार हो गए। आरोपी से पूछताछ जारी है। नेपानगर थाना प्रभारी ने जितेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पंधार के जंगल में लकड़ी कट रही और ट्रक भी लगा हुआ है। इसके बाद दलबल तैयार कर पंधार जंगल की ओर गए तो मुखबिर ने बताया कि साहब यह वही वाहन है जिस पर हमने वाहन का पीछा कर ओवरटेक कर वाहन को चांदनी गौव के पास पकड़ा, जिसमें वाहन पर त्रिपाल ठनकी हुई थी। त्रिपाल हटाकर देखा तो वाहन में सागौन से भरी हुई थी, जिसके बाद वाहन को जब्त कर नेपानगर थाने लाया गया। 6 बजे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि नेपानगर से बुरहानपुर जाते समय ये चांदनी रोड है, उसके दाहिने तरफ पांधार का जंगल बोला जाता है, उसमें लकड़ी कट रही है और वहाँ ट्रक भी खड़ा है। ऐसी मुखबिर सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो मुखबिर की सूचना पर हमने बल तैयार किया। बल तैयार करके गाड़ी लेके जब वहाँ पहुँच रहे थे, पांधार जंगल की तरफ पहुँचे, तो वहाँ से ट्रक तेजी से निकला। तो मुखबिर हमारे साथ ही था, उसने बताया साहब ये वही ट्रक है जो वहाँ खड़ा था। तो हमने चूंकि उसके पीछे जाने लगे तो उसने देख लिया पुलिस की गाड़ी, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने से हमने उस गाड़ी का पीछा किया। पीछा करते करते चांदनी गांव के पास पहुँच के उसको ओवरटेक करके रोका। तो मुखबिर बोला साहब ये वही गाड़ी है। इस पर हमने उसके तिरपाल हटा के देखा। तिरपाल हटा के देखा तो उसमें कभी 44 नग लट्ठे सागौन के ताजे कटे हुए वृक्ष के रखे थे। जो वहाँ लोकल उपस्थित लोगों से, स्थानीय ग्रामीणों से तस्दीक कराई तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सागौन के ही लट्ठे हैं। इस पर उस ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर को हमने पकड़ा। ड्राइवर का नाम है यूसुफ पिता रसीद, जाति मुसलमान, महेश्वर, वार्ड नंबर 9, खरगोन। ये खरगोन का रहने वाला ड्राइवर है। उससे पूछा कहाँ से ला रहे हो, तो उसने तस्दीक की कि पंधार जंगल से कटे हुए लट्ठे हमारी गाड़ी में लोड किए गए। उनकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास है, पर इसके बारे में अपन और तस्दीक कर लेंगे। अभी यही हाल मालूम चला है। ड्राइवर को ले आए, पूछताछ कर रहे हैं, इस संबंध में पता करेंगे कि ये कैसे घटना हुई और इसकी पर्याप्त विवेचना कर और भी कोई अगर इसमें सहयोग होगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे। सर क्या कार्रवाई की जा रही है अभी उस पर? हमने 379 और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 जा 41, सागौन की अवैध कटाई और परिवहन, जिसमें सागौन चूंकि प्रतिबंधित है इस इलाके में, कोई भी बिना सरकारी परमिट के वैधानिक रूप से नहीं काट पाता, उससे हमने परमिट और कागज भी पूछे थे, उसके पास कोई परमिट कागज नहीं है, जिससे पता चला कि वन लकड़ी को चोरी करके ले जा रहा है। और चूंकि सागौन की चोरी है तो 26 जा और 41 वन अधिनियम के अंतर्गत हमने FIR दर्ज कर ली और उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर। सर ये जो कक्ष क्रमांक 213 पांधार में सैकड़ों पेड़ काटने जाने का मामला है, क्या है पूरा मामला और क्या है? ये सैकड़ों पेड़ नहीं कटे हैं, ये रात की घटना है। और रात की घटना में ये जो वाहन से ले जा रहे थे, जिसको हमारा विभाग भी पीछे लगा था, क्योंकि हम लोगों ने अभी पिछले 2 महीने से बैरियर लगा रखे, तो हड़बड़ाहट में पीछे से पुलिस वाहन लगा हुआ था, चांदनी में हमारा बैरियर लगा हुआ था, तो वाहन पलटाने के चक्कर में वो पीछे नाले में उतर गया, रोड के किनारे नीचे उतर गया। वो उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उनके विरुद्ध उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर इसमें वन विभाग के कर्मचारियों की भी मिलीभगत की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहना है? वर्तमान में ऐसा कुछ भी हम नहीं कह सकते जब तक हम जाँच नहीं करेंगे। जाँच करने पर ही ये स्पष्ट हुआ कि इसकी क्या मिलीभगत है। प्रारंभिक रूप से जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तत्काल वहां पे पहुंचा, घटना स्थल पे मैंने देखा। देखने के बाद वहां आसपास से पूछताछ करी और तत्काल मैं 213 में पहुंचा। वहां 2 स्थानों पर 23 पेड़ कटे हैं, सैकड़ों पेड़ नहीं कटे, 23 पेड़ कटे हैं, जिसमें से अधिकांश पेड़ कटे हुए अभी वहां पड़े हैं। चूंकि वाहन में मोटा मोटा जो माल था, जो मोटा मोटी लकड़ी थी,
वो घी भी थी उसमें। अर्थात इस वाहन में जो भी गिरोह काम कर रहा है, मतलब वो बहुत टेक्निकल या उसे ये कहें कि बहुत शातिर गिरोह है, अच्छी वन उपज ले जा रहा है, और जो खराब है, खोखली है, उस वन उपज को उसने वन क्षेत्र में ही छोड़ दी है। सर कौन सी बीट है और किसकी बीट? ये बीट है कक्ष क्रमांक 213 है, बीट पांडार है, इसके बीट प्रभारी हैं रजनीश ठाकुर। सर आपका शुभ नाम बताइए। मैं महेंद्र सिंह सोलंकी, उपमंडल अधिकारी नेपाल। जैसा कि सर आपने बताया कि चांदनी पे जो वन विभाग के नाके लगे हुए हैं, उन नाके पर बैठे वन कर्मियों को देख के वाहन पलटा, तो वन विभाग के अधिकारियों ने क्यों नहीं पकड़ी वो गाड़ी? वाहन पलटना नहीं, ये जो चोर लोग थे, जो गैंग थी, ये इन्हें पता है, क्योंकि ये लोग इतने शातिर हैं कि इनको पता है कि ये बेरेर लगे। ये बेरेर आज से नहीं लगा है, पिछले 2-3 महीने से ये बेरेर लगे हुए पर है ना जी। तो इनको ऐसा लगा कि पीछे से पुलिस वाहन लगा है, आगे चांदनी में बेरियर है, तो उनने सोचा कि पलटाए अपन। वो पलटाने के चक्कर में क्या हुआ कि वो वाहन रोड के किनारे नीचे उतर गया। लगभग कितनी लागत का बताया जा रहा है ये? अभी तो उसका जब हम मूल्यांकन करेंगे 23 फुट का, कितनी राशि आती है और कितनी जब मतलब उसमें कैलकुलेशन आएगा तो बोलेंगे। इस प्रकरण में अब हम लोग ये कर रहे हैं कि थाने में मैंने भी चिट्ठी लिखवाई है कि इसमें रासा की कार्रवाई वन विभाग ही करेगा, जिसको सुपुर्दनामे पे लेने के लिए हमने एक पत्र व्यवहार कर लिया। अभी सर क्या लगता है कि कटी गई काटी ये जो पकड़ी गई लकड़ी गई लकड़ी में का संबंध इस जंगल से जो 213 से काटी गई लकड़ी का संबंध? अब इसमें वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, ये उनकी कार्रवाई कर लेंगे। जैसे उनकी कार्रवाई हो जाएगी फिर इसको हम गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे कि वास्तव में इस ड्राइवर के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। अभी प्रारंभिक जांच पुलिस वाले कर रहे हैं, जैसे ही हम उसमें जांच करेंगे तो आगे जो भी खुलासे होंगे फिर आपको शेयर करेंगे। प्रदेश खबर न्यूज प्रतिदिन देखने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।